दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, जहां एक तरफ भाजपा ने भी आज कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 72 नामों की घोषणा की और सोशल मीडिया पर दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का एक झूठा नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है। और आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक बड़ी घोषणाएं और कई नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, राइट। लेकिन इसी बीच आज कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने के लिए एक बड़ा खेल दांव खेला है। कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना लॉन्च करने की घोषणा की है और इस योजना के तहत महिलाओं को जहां सालाना 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, नौकरियों में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी होगी, मतलब जस्ट 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। इसके समेत कांग्रेस ने टोटल 5 नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। आइए देखते हैं चुनाव से पहले कांग्रेस की महिलाओं के लिए क्या क्या 5 बड़ी घोषणाएं आज की गई है। इनमें सबसे पहली घोषणा तो ये रही, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी और सरकारी नौकरी में भी महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा किया कांग्रेस ने। टोटल 5 योजनाओं का ऐलान किया। पहली योजना का नाम रखा है महालक्ष्मी गारंटी योजना और इसी योजना के तहत गरीब परिवार की सभी महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और नारी न्याय गारंटी योजना की 5 योजनाओं में से दूसरी योजना है आधी आबादी को लेकर पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्ति में आधा हक सीधा महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है नारी शक्ति सम्मान योजना। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगुना किया जाएगा। चौथी है अधिकार मैत्री योजना और इस योजना के तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद देने के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा लीगल यानी कि कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और पांचवी है सावित्री बाई फूले हॉस्टल योजना। इस योजना के तहत सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाया जाएगा और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या भी दुगुनी की जाएगी, है ना। तो ये आज 5 नारी न्याय गारंटी योजनाओं की घोषणा की है कांग्रेस ने महिलाओं के लिए स्पेस लिए। और इससे पहले आपको बताऊंगा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र का भी ऐलान किया था, उसमें भी कांग्रेस ने 10 बड़े वादे किए। मैंने आपको इसका सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज पर बताया भी था, अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। इन 10 बड़े वादों में कौन कौन से वादे हैं इनकी लिस्ट भी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टोटल 20 बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, महिलाओं को 6,000 रुपए हर महीने अलग से दिए जाएंगे, गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे, मनरेगा दिहाड़ी वगैरह बढ़ाई जाएगी और भी ये टोटल 20 घोषणाओं की लिस्ट आप देख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कांग्रेस को लेकर ये लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। ऐसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और भी आपके क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। बीजेपी कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।